स्विच बोर्ड का कनेक्शन जानेंगे, कैसे क्या इसका कनेक्शन होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देखिए, मैं पहले से ही ये वायर कट करके रखा हूँ, इसमें कनेक्शन करते हैं। तो शुरू करते हैं, मैं पहले इसका ये कनेक्शन कर देता हूँ। दोस्तों मैं ये जो लास्ट का सॉकेट है एक स्विच में कनेक्शन कर दिया हूँ, फिर बाकी का भी इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों एक मैं ये वायर का जो एक हिस्सा लिया हूँ, इसमें हम इसको शॉर्ट कर देंगे, ये जो लाइन वाला इसमें दे देंगे तो न्यूट्रल, तो इसको मैं कनेक्ट इसमें पूरा इसको एक साथ कन्वर्ट कर दूँगा। तो आपको इसका कनेक्शन कर दिया हूँ, फिर इसको मैं नट बोल्ट को स्टार्ट कर दूँगा। ये नट को मैं टाइट कर दूँगा, सबको टाइट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं टाइट कर दिया हूँ, फिर और एक तार लेंगे इसमें, ये जो सॉकेट का है, ये तीन सॉकेट का, तो इसमें हम इसको पूरा पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे, एक लाइन पूरा इसको फिर मैं इसको नट बोल्ट को टाइट कर दूंगा, कनेक्शन कर दिया हूँ। तो और एक ये तार लेंगे हम, इसको यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे, ये स्विच को लगा कर हम इसको टाइट कर देंगे। टाइट करके इसको हम इसमें हम लगा कर आपको दिखाते हैं कि दोस्तों इसका भी मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, ये पूरा एक लाइन में इसका कनेक्शन कर दिया हूँ। फिर इसको यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और ये एक तार लेकर मैं इसमें भी कनेक्शन कर दूंगा। इसका दोस्तों नट बोल्ट नहीं है तो इसमें डायरेक्ट मैं इसको लेकर मोड़ दूंगा इस यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैं ये इसको टाइट कर दूंगा। देखिए दोस्तों इसको मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, इसका भी हम कनेक्शन कर दिए हैं। तो यहाँ से हम यहाँ तक एक कनेक्शन देंगे जो इंडिकेटर के लिए है, इंडिकेटर के लिए यहाँ पे कनेक्शन देंगे। तो हम दे देते हैं इसका भी कनेक्शन। तो एक मैं ये वायर लिया हूँ तो इसमें हम कनेक्शन दे देते हैं, इसका भी मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। तो मैं पूरा इसका कनेक्शन करके आपको बताता हूँ। तो इसका भी मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, तो बाकी का भी यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। दोस्तों देखिए मैं इसका कनेक्शन कर दिया हूँ, तो इसका कनेक्शन कर देने के बाद हम जो ये जो लाइट डायरेक्ट बोर्ड में हम कनेक्शन करेंगे, तो ये जो वायर दिख रहा है आपको, इसमें हम लाइन एंड न्यूट्रल कनेक्शन इसमें कर देंगे। तो आपको बता देता हूँ किसका क्या कहाँ पर कनेक्शन किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो हम यहाँ पे स्विच लगाए हैं, ये जो पांच स्विच एंड ये इंडिकेटर के लिए, ये जो पांच स्विच एंड एक इंडिकेटर के लिए और ये फ्यूज के लिए एक तार लगा दिए हैं पूरा डायरेक्ट, एक लंबा सा तार यहाँ पे लगा दिया है, और यहाँ से फ्यूज के लिए एक ये वायर लगा दिया है। तो ये जो थ्री पिन दिख रहा है, थ्री सॉकेट फोर फाइव सॉकेट दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं एक वायर लेकर इसमें कनेक्शन कर दिया हूँ। एंड दूसरा जो ये सब इस सब स्विच का मैं यहाँ पे नीचे वाले ये सॉकेट में कनेक्शन टू सॉकेट में नीचे वाले को कनेक्शन कर दिया हूँ। एंड मैं इसका जो कनेक्शन है, ये जो लास्ट वाला जो स्विच का कनेक्शन है, ये जो फाइव सॉकेट है इसका मैं इस सिरे में कनेक्शन कर दिया हूँ, और एक इंडिकेटर के डायरेक्ट मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दिया हूँ, ये जो फाइव सॉकेट के ये दूसरा वाला सिरे में कनेक्शन कर दिया हूँ, और ये सर्किट को ये मैं पैरेलल कर दिया हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन करके, ये स्विच तक मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। ठीक है, तो मैं ये जो
ये कनेक्शन पूरा हो गया। तो लाइन देने के लिए ये हम एक वायर लिया है, उसका मैं लाइन का कनेक्शन यहाँ पे एक दे दिया हूँ और ये दूसरा वाला यहाँ पर। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आपको यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके भी आगे या पीछे करके देख सकते हैं। तो इसको हम करने तो लाइन दे के आपको चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। इसका हम फ्यूज भी लगा देंगे, इसमें हम फ्यूज लगा दिया है तो हम इसमें लगा देंगे। तो लगा देने के बाद देखिए दोस्तों, इसमें लाइन आना शुरू हो गया है। तो हम इसको सब चेक करते हैं तो देखिए दोस्तों, तो हमारा ये करंट नहीं आ रहा है। अब ऑन करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये करंट आ रहा है और ये जो 5 सॉकेट है इसको मैं देखिए, ये सब ठीक है। तो हमारा कनेक्शन ठीक है। तो दोस्तों मैं इसको एक फैन लगा कर दिखा देता हूँ। फैन तो दोस्तों आपको साउंड सुनाई देगा शायद, देखिए दोस्तों आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा। ये फैन का साउंड है और एक मोबाइल को हम चार्ज करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं लगा दिया हूँ एक चार्जिंग के लिए अडाप्टर। तो इसको मैं हम ये मोबाइल को चार्ज करके देखेंगे। तो मैं इसको चार्ज करता हूँ, यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल दिख रहा होगा तो हमारा चार्जिंग हो रहा है। फिर बंद कर देता हूँ तो देखिए दोस्तों, ये चार्जिंग का चला गया। फिर मैं ऑन कर देता हूँ, देखिए दोस्तों आ गया। तो हमारे ये जो स्विच बोर्ड का कनेक्शन है ठीक है दोस्तों। फिर मैं इसका पूरा फिटिंग कर देता हूँ, फिटिंग करने बाद आपको बताता हूँ दोस्तों। ये फिटिंग कर दिया हूँ दोस्तों। ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तो घंटी बटन को दबा कर और नहीं सेट करना। मैं जब भी कोई टेक्नोलॉजी की वीडियो डालूँगा तो आपको पहले ही पता चलेगा दोस्तों। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ दोस्तों, आप मेरा वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।